वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ का फर्स्ट पोयम यूनिट वन रेन इन द नाइट, मतलब रात में होने वाली बारिश। तो पढ़ते हैं, रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, सम टाइम लाउड सम टाइम सॉफ्ट जस्ट लाइक अ सॉन्ग। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल नाइट लॉन्ग, मतलब पूरी रात भर बारिश हो रही थी। और ये बारिश कैसी हो रही थी? सम टाइम्स लाउड, कभी ज़ोरों से हो रही थी, सम टाइम्स सॉफ्ट, कभी धीमे से हो रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश जो है गाना गा रही है, सॉन्ग गा रही है, ठीक है। तो रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, सम टाइम लाउड सम टाइम सॉफ्ट जस्ट लाइक ए सॉन्ग, मतलब पूरी रात भर बारिश हो रही है, कभी ज़ोरों से बारिश हो रही है, कभी धीमे से बारिश हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश जो है सॉन्ग गा रही, गाना गा रही है। अगला स्टेंजा ये इसको पढ़ेंगे। देयर्स बी रिवर्स इन द गटर्स, देयर्स बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक अलोंग द स्ट्रीट, इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट। मतलब यहाँ पे क्या है इसका मतलब कि जो गटर्स हैं, जो छोटे छोटे नालियाँ हैं, वो रिवर्स मतलब नदी बन गए हैं, रिवर्स मतलब नदी जैसा बन गए हैं। एंड लेक अलोंग द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब क्या होता है? रास्ता, गलियाँ, जो गलियाँ हैं वो रास्ते हैं, वो कैसे बन गए हैं? लेक मीन्स तालाब जैसे बन गए हैं। इट विल मेक आवर लेजी किटी मतलब क्या होता है? आलसी बिल्ली, किटी कौन है? बिल्ली। वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट, लेकिन इस टाइम पे जो आलसी बिल्ली है वो क्या करेगी? अपने डर्टी फीट, अपने गंदे पाँव को पानी में धोएगी। तो हमने क्या पढ़ा कि जो गटर्स हैं वो नदियाँ बन गए हैं, और जो रास्ते हैं, जो गलियाँ हैं, वो तालाब बन गए हैं, और जो आलसी बिल्ली है वो अपने गंदे पाँव को इस पानी में धोएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। The roses will wear diamonds like kings and queens at court, but the pansies all get muddy because they are so short. इसका मतलब क्या होता है? डायमंड मतलब क्या होता है? हीरा होता है। तो रोज जो गुलाब का फूल है उस पर जो बारिश की बूंदें पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गुलाब ने डायमंड पहना हो। कैसे? लाइक किंग्स एंड क्वीन एंड कोर्ट, जैसे राजा और रानी अपने दरबार में डायमंड पहनते हैं, वैसे बारिश के टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब ने डायमंड पहना हो। बट द पेंसिस आल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, लेकिन जो पेंसिस है, पेंसिस मतलब बोले छोटे छोटे फूल है, उनकी हाइट बहुत कम है, इसलिए वो क्या हो गए हैं? गंदे हो गए हैं, उनमें कीचड़ लग गया है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से क्या होता है? हर जगह कीचड़ फैल गया है। तो ऐसे फूल जिनकी हाइट कम है वो क्या हो गया? गंदे हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो रोज़ हैं ऐसे लग रहा है जैसे वो डायमंड पहने हैं, और जो बारिश की बूंदें रोज पर गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो डायमंड पहने हैं, जैसे कि राजा और रानी अपने कोर्ट में पहनते हैं। और जो छोटे छोटे फूल हैं वो बेचारे क्या हुए? गंदे हो गए, क्योंकि उनकी हाइट बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब हम
इसको पढ़ेंगे, आई सेल माई बोट टुमारो, मतलब क्या है, मैं कल पानी में नई बोट बनाऊंगी। इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, नए प्लेस जो नए स्थान पे जाऊंगी और क्या करूंगी, नाव बनाकर पानी में चलाऊंगी। बट फर्स्ट आई टेक माई वाटरिंग पॉट, लेकिन सबसे पहले मैं अपने साथ पानी देने वाले बर्तन को, ये है ना वही वाटरिंग पॉट, इसको लेकर के जाऊंगी। एंड वॉश द पैंसीज फेसेस, जो बेचारे छोटे छोटे फूल हैं ना जो गंदे हो गए हैं उनको मैं धोऊंगी। तो इसमें क्या बोला है, आई सेल माई बोट टुमारो, मैं कल नाव चलाऊंगी, ठीक है। इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, मतलब नए जगह पर जा कर के। बट फर्स्ट आई टेक माई वाटरिंग पॉट, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपना वाटरिंग पॉट लेके जाऊँगी। जिससे हम क्यों लेके जाऊँगी, ताकि मैं जो छोटे छोटे फूल हैं जो गंदे हो गए हैं उनके चेहरे को मैं धो सकूँ, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए गटस, गटस मतलब क्या होता है, वो जो गली होती है, गली में जो छोटे छोटे नाले होते हैं उसमें पूरा पानी भर जाता है, पानी रहता है, उसको गटर बोलते हैं। पेंसिस का मतलब होता है छोटे छोटे फूल, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, मतलब बारिश कब से हो रही थी। तो रेन इज रेनिंग ऑल नाइट, मतलब पूरी रात भर बारिश हो रही थी। फिर है, व्हाट इफेक्ट विल द रेन हैव ऑन द फॉलोइंग, मतलब इन किटी पर, रोज पर, पेंसिस पर कौन सा बारिश का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो किटी क्या करेगी, किटी क्या करेगी, यहाँ पे ये देखा, लेजी किटी वॉश दियर फीट, मतलब जो आलसी बिल्ली है क्या करेगी, अपने पैरों को धोएगी। ये हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए रोज क्या करता है, रोज के बारे में बताइए, रोज क्या करता है बारिश में, बारिश में रोज क्या करेगा, कैसे लग रहा है बारिश में। तो द रोज विल बियर डायमंड्स इन द रेन, मतलब बारिश में क्या करता है, ऐसे लगता है जैसे रोज ने डायमंड पहना हो। द रोज विल वियर डायमंड्स इन द रेनी सीजन, ओके। फिर क्या है, पेंसिस, ये क्या है, पेंसिस। तो पेंसिस के बारे में क्या बोलेंगे, पेंसिस में तो बारिश की वजह से पेंसिस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, पेंसिस आर दिए, पेंसिस आर सो शॉर्ट, सो डैट पेंसिस आर सो शॉर्ट, सो शॉर्ट बहुत छोटे हैं, देयर फोर दे आल गेट मडी, ना तो क्या लिखेंगे, पेंसिस आल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, तो पेंसिस बहुत गंदे हो गए हैं क्योंकि वो बहुत शॉर्ट है, ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या देखते हैं, व्हाट इज द चाइल्ड प्लानिंग टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन लड़की ने क्या प्लानिंग किया है, क्या करने वाली है। तो क्या बोला यहाँ पे, द गर्ल सेल हिज बोट टुमारो एंड वॉश द पेंसिस फेस, मतलब क्या करेगी लड़की, क्या करेगी, अगले दिन बोट चलाएगी और क्या करेगी, जो पेंसिस है मतलब जो छोटे छोटे फूल हैं उनको साफ करेगी बाय द वाटरिंग पॉट, ना वाटरिंग पॉट से क्या करेगी, साफ करेगी। तो बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।